नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस मोदी की गारंटी के मुकाबले दीदी की गारंटी को चुनावी हथियार बनाने जा रही है। अप्रैल के पहले हफ्ते से 2 दर्जन योजनाओं की कामयाबी को दीदी की गारंटी नाम से पेश किया जाएगा। साथ ही तृणमूल नेता मोदी की तमाम गारंटी के खोखला होने का प्रचार करेंगे। ममता सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने इसकी पुष्टि की है। मंत्री कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मतदान के दिन ईवीएम का बटन दबाते समय मतदाता को दीदी की गारंटी याद रहे। पार्टी ने मोदी के गारंटी वाले जुमले को बेअसर करने के लिए फैसला किया है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि विभिन्न योजनाओं का जिक्र होगा, जैसे ममता ने किसानों की आय 3 गुनी कर दी, लेकिन इसे 2 गुनी करने की मोदी की गारंटी फेल हो गई। राज्य सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना से 2 करोड़ महिलाओं को सहायता मिली, जबकि केंद्र के बेटी बचाओ अभियान के तहत आवंटित रकम का 80% हिस्सा विज्ञापन पर खर्च हुआ। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार दीदी की गारंटी पर सवाल उठाते हैं कि दीदी किस आधार पर गारंटी दे रही है। उसकी खुद की वारंटी खत्म हो गई है और एक्सपायरी डेट नज़दीक है। पश्चिम बंगाल में कंप्यूटरीकरण का विरोध करने के आरोप का सामना कर चुकी CPI अब चुनाव प्रचार के लिए AI की मदद लेने जा रही है। AI की मदद से पार्टी अपने विचार लोगों तक पहुंचाएगी। पार्टी ने समता नाम का AI बॉट बनवाया है। पार्टी नेता समीक लाहड़ी ने कहा कि समता को बंगाली भाषा में शुरू किया गया है। चुनाव आयोग ने शनिवार को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। कुल 543 सीटों के लिए 7 फेज में चुनाव होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के लिए सभी 7 चरणों में वोटिंग होगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।